तो दोस्तों स्वागत है आपका वापस से इस नए एपिसोड में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा आप अपने पीसी को विंडोज 11 कंपैटिबल कैसे बना सकते हैं और बिना पेन ड्राइव के। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आप अपने पीसी को कैसे विंडोज 11 कंपैटिबल बना सकते हैं, उसमें विंडोज 11 का मजा कैसे उठा सकते हैं, वो भी एक पेन ड्राइव के साथ। लेकिन पिछली वीडियो में पेन ड्राइव चाहिए थी, आईओएसओ फाइल चाहिए थी, और वो भी एक लीगल नहीं थी, जी हाँ वो एक क्रैक फाइल थी। लेकिन अब आप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ऑफिशियल डाउनलोड आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसके तो अपने पीसी में विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत मजे से। तो कोड फीचर आपको याद ही होगा विंडोज 11 का, जिससे प्रूफ हो जाता है कि ये विंडोज 11 कंपैटिबल है। जी हाँ, विंडोज 11 कंपैटिबल बनाने के लिए आपके पीसी को कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। जी हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कि हैं, आपका प्रोसेसर 11 जेन से ऊपर, मेरा प्रोसेसर 11 जेन है, 8 जेन से ऊपर है, आपका कोई भी प्रोसेसर हो बस वो 8 जेन से ऊपर होना चाहिए। आपके लैपटॉप में AMD प्रोसेसर है तो AMD प्रोसेसर की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, AMD 3000 से ऊपर होना चाहिए, AMD 5000 वगैरह। ज़्यादा विंडोज 11 में लेआउट की चेंज है जो आपको एक बहुत ही स्मार्ट, यानी कि एक स्मार्टफोन की तरह देखने को मिल जाएगी। उसके आइकन्स, उसके ऐप बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह, बिल्कुल कर्व, स्पेसिफिक, बिल्कुल छोटे और कलरफुल हैं काफ़ी ज़्यादा विंडोज 10 के मुकाबले। और ये विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है विंडोज 10 के मुकाबले, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बज रहे हैं रात के 3 और मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ विंडोज 11 को, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल अपडेट से। और ये कोई ISO फाइल नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरे लैपटॉप पे इजीली इंस्टॉल हो रहा है। पिछले वीडियो में जहाँ मैंने ISO फाइल की बात की थी, आप भी इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी विंडोज़ अपडेट में जाकर देखेंगे तो आपको विंडोज़ 11 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा इजीली। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा ये वाला विंडोज़ 11 आप तभी इंस्टॉल करना अगर आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो। जो विंडोज़ है ये एक डेवलपर वर्जन है, अभी स्टेबल वर्जन नहीं लॉन्च किया गया है। पिछली वीडियो में TPM 2.0 के एरर्स आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन गाइज ये एक स्टेबल वर्जन नहीं है अभी भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि विंडोज़ जो है वो इस साल के एंड तक इसका स्टेबल वर्जन शायद लॉन्च कर सकता है, और शायद एंड नहीं अगला साल भी लग सकता है, शायद अगले साल ही इसका अपडेट आए, और वो भी अभी कंफर्म्ड नहीं है। लेकिन अगर आप विंडोज़ 11 का अभी टेस्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में। गाइस विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा, जो कि विंडोज़ के आइकन को दबाने के बाद आपको दिख जाएगी। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट्स एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ विंडोज़ अपडेट दिख रहा होगा। आपको विंडोज़ अपडेट पर नहीं, विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक कर लेना है आपको। और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, गो टू डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। पे क्लिक करने के बाद आपको डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में जाकर सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। वापस से बैक जाने के बाद आपको गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट लिंक करना पड़ेगा, और आपने जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट विंडोज 10 में साइन इन किया होगा उसको यहाँ पर साइन इन करना होगा दोबारा। और ये वाला स्टेप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है तो जल्दी से जल्दी बना लीजिए। तो जल्दी से जाकर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना लीजिए। साइन इन करने के बाद बेसिकली आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होगा। साइन इन करने के बाद बेसिकली आपको यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डेव चैनल, बेटा चैनल और यहाँ पर रिलीज प्रीव्यू चैनल, यानी कि रिलीज के पहले का बीटा अभी वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है, और ये डेवलपर वर्जन है जो कि कुछ ही यूजर्स को दिया जाएगा जो कि इसको ऑफिशियली टेस्ट करना चाहते हैं और विंडोज 11 का मजा लेना चाहते हैं, वो भी लॉन्च से पहले। तो यहाँ पर डेव चैनल सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म के बटन को दबा लीजिएगा और अपने पीसी को जल्दी से जल्दी रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट होने के बाद आपको वापस से एक बार सेटिंग्स में जाना है और अपडेट्स एंड इनसिक्योरिटी में दोबारा से जाना है। दोबारा से विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम पे आपको क्लिक कर लेना है और चेक कर लेना है कि आपका पीसी जो है वो अवेलेबल है अपडेट के लिए या फिर नहीं। अगर आपको यहाँ पे डेव चैनल बता रहा होगा तो तभी आप इसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे। अब आपको विंडोज़ अपडेट में जाकर विंडोज़ 11 के अपडेट्स के लिए चेक करना है। जैसे ही आप चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू 10.0.22 000.51 को रिलीज़।
गाइज ये बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन है, पिछला जो रिलीक्ड वर्जन था उसमें 21,000 पॉइंट कुछ था। और यहाँ पे आप मजे से देख सकते हैं कि यहाँ पे विंडोज 11 जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। फिर डाउनलोड होने में काफी टाइम लगाएगा और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होगा और उसी टाइम हमें इसको रिस्टार्ट भी करना है। डाउनलोड के लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, तो फटाफट इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, अब इसको रीस्टार्ट करना होगा। अब आप शेड्यूल करना चाहते हैं ये रीस्टार्ट, ये आप पर डिपेंड करता है। रीस्टार्ट करने के बाद ही आपके विंडोज 11 के जो फाइल्स ड्राइवर्स वगैरह हैं वो इंस्टॉल होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेट्स आर अंडर वे, इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे स्क्रीन पर वेलकम आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि विंडोज 11 जो है हमारे पीसी में जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और इस विंडोज 11 को मैंने इंस्टॉल किया आप ही के सामने बिना ISO फाइल के। बेसिकली यहाँ पे हमने लीगल वाला विंडोज 11 इंस्टॉल किया है। गाइस बहुत इजी है इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करना, आपका बस एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगेगा, थोड़ा सा इंटरनेट और थोड़ा सा टाइम। जी हाँ दोस्तों, एक इंस्टॉल होने में और डाउनलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। मुझे करीबन 2 घंटे के आसपास लग गया था इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने में। गाइस अभी इसे मुझे रिव्यू करना है पूरे 30 दिन तक। अगर मुझे कुछ और पता चलता है इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसको अभी अभी ताज़ा इंस्टॉल किया है अपने पीसी में, अगर मुझे कुछ और पता चलता है इसके बारे में तो उसके बारे में भी आपको मैं वीडियो डाल दूंगा। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आगे भी आपको ऐसी टेक अमेजिंग वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपके पीसी या लैपटॉप में कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो अभी पूरी नहीं हो रही माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 11 को ऑफिशियल इंस्टॉल के लिए, तो आप इस वीडियो को देखकर उसका ISO फाइल डाउनलोड करके विंडोज 11 का मजा उठा सकते हैं, अगर आपका प्रोसेसर 8th Gen या उससे ऊपर का नहीं है। तो आपके लिए अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, चैनल को सब्सक्राइब बिना किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट अच्छा सा दे दीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको इंस्टॉल करने में। पिछली वीडियो में 2.0 एरर आ रहा था TPM का, लेकिन अब इसमें कोई एरर नहीं होगा अगर आपका प्रोसेसर 8th Gen से ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। करते हैं।